डर नहीं है, तो सवाल नंबर एक, सबूत नंबर एक, ये सीएनआईसी नंबर दाऊद इब्राहिम को कहां से मिला, ये सीएनआईसी नंबर कहां से आया, 4230127390909। दूसरा, जी न्यूज के पास दाऊद के पाकिस्तानी पासपोर्ट को लेकर भी बड़ी जानकारी है। पासपोर्ट पर दाऊद इब्राहिम का नाम है दाऊद हसन शेख। दूसरा सवाल, पाकिस्तान कहता है अगर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है तो फिर पासपोर्ट किसने इशू किया दाऊद इब्राहिम को, दाऊद इब्राहिम का पासपोर्ट कहां से आया, इमरान खान आपसे सवाल। तीसरा, दाऊद इब्राहिम का पता हम लोग बताने जा रहे हैं आपको, D13 क्लिफ्टन कराची, मतलब जी न्यूज ने दाऊद के ठिकाने का सटीक पता बताया, दाऊद के सदस्यों को लेकर जानकारी दी, दाऊद इब्राहिम की बैंक डिटेल्स दिखाए और इससे दाऊद इब्राहिम डर गया। मैंने आपको बताया वो पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों को फोन कर रहा है, आईएसआई से उसे छिपने के लिए मदद मांगी जा रही है। जी न्यूज ये पूछ रहा है कि दुनिया अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों के अंत के लिए एक होती है, दाऊद के लिए कब एक होगी, लेकिन ये बड़ा सवाल टू विंडो में आप समझ जाएंगे। सवाल ये, ऑपरेशन जेरेनिमो जानते हैं आप क्या था, ऑपरेशन जेरेनिमो, ये ऑपरेशन जेरेनिमो चलाया गया था 2001 में लादेन के खिलाफ, जब सील कमांडोज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर लादेन को मारा था। हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, दाऊद के खिलाफ ऐसा ऑपरेशन कब होगा, दाऊद के खिलाफ ऑपरेशन जेरेनिमो आखिर कब होगा, दाऊद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कब होगी, क्या लादेन की मौत मरेगा दाऊद इब्राहिम, ये तमाम सबूत सामने आने के बाद डिबेट शुरू कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ उज्ज्वल निकम सीनियर एडवोकेट हैं, आप जानते हैं वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ जी पार्थ सारथी हैं जो कि इंडियन हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान में, वो मेरे साथ हैं, एमएस बिट्टा साहब, इफ्तखार मिसगर मेरे साथ हैं, और बलजीत परमार जो कि क्राइम जर्नलिस्ट हैं और दाऊद इब्राहिम को सबसे करीबी से जानने वाले अगर कोई पत्रकार हैं तो यही हैं, इनका नाम है बलजीत परमार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी साहब, अब मतलब ये तो नया भारत है ना सर, हम तो घर में घुसकर मारते हैं, ये तो गलवान के बाद वाला भारत है, गलवान में तो हड्डी तोड़ पराक्रम हम लोगों ने दिखाया, हमने उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने बालाकोट में घुसकर पाकिस्तान को मारा, अब दाऊद इब्राहिम के लिए किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं क्या हम लोग, इतनी डिटेल्स है अब तो भाई त्रिवेदी जी। देखिए आज का जो भारत है, मैं कहता हूं ये वास्तविक भारत, इससे पहले का भारत एक विचित्र भारत, दुनिया में जहां कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, अमन जी आपने देखा होगा, हमेशा छोटा और कमजोर कहता है कि बड़ा और ताकतवर मुझे सता रहा है, मगर यहां एक विचित्र बात थी कि हम बड़े थे, हम ताकतवर थे, और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान छोटा और कमजोर था, मगर हम ज्यादातर समय अटल जी के दौर को छोड़ दें, आजादी के बाद यही समझाते रहे कि साहब वो हमें सता रहा है, ये वास्तविक भारत नहीं था। मोदी जी की सरकार आने के बाद अब वास्तविक भारत उभर के सामने आया, अब हम किसी प्रकार की नॉनसेंस को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, और दाऊद के प्रकरण पर जो हुआ है, पहली बार पाकिस्तान की सरकार दबाव में, चाहे जाने में या अनजाने में, चाहे वो अपने स्टेटमेंट को विड्रॉ करने की बात कहे, उसके मुंह से सच निकल गया, यानी पहली बार पाकिस्तान की सरकार ने स्वीकारोक्ति की है कि दाऊद वहां पर है। क्यों? कारण यह है, उरी का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक था, पुलवामा का जवाब बालाकोट था, अब वो दिन चले गए जब भारत को एक सॉफ्ट स्टेट माना गया, चाइना हो या पाकिस्तान, भारत अब अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह दृढ़ है। मैं अमन जी कहना चाहता हूं, एक दौर वो था लंबे समय तक आजादी के बाद 50-55 साल तक कि हम हर लड़ाई हमारी फौज जीतती थी और हम सुलह की टेबल पर हार के चले आते थे, जिसके लिए कहा जाता था हम सुलह की शक्ल को संवारते रहे और जीतने के बाद बाजी हारते रहे, और अब चाहे मैदान डिप्लोमेसी का हो या मैदान जंग का हो, भारत पूरी मजबूती के साथ अपने वास्तविक स्वरूप में सामने है। तो मैं कहना चाहूंगा मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत नहीं है, वास्तविक भारत। नहीं तो त्रिवेदी जी ये तो एक्शन के साथ बताना होगा ना, ये तो फिर वही सवाल है मेरा आपसे, इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान सौंप देगा दाऊद इब्राहिम को, या पाकिस्तान जो है हृदय परिवर्तन हो जाएगा और आप लोगों के साथ मिलकर दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई करेगा, ऑनेस्ट ट्रायल, ये सब तो नहीं होगा ना, ये हमें कुछ करना होगा, पाकिस्तान कुछ करेगा या हमको कुछ करना होगा, या लादेन की मौत मरेगा दाऊद, मैं तो ये बार बार रिपीट करूंगा। देखिए ये गलतफहमी किसी को नहीं रहनी चाहिए कि पाकिस्तान अपने आप, या तो पाकिस्तान मजबूरी में करेगा,
जब उसका पानी जिसे कहते हैं ना कि नाक से ऊपर होने लगे, बात साथी जी ज्यादा बेहतर समझाएंगे। और कहीं ना कहीं एफएटीएफ में जो उसको दाऊद के बारे में बोलना पड़ा, ये वही हालात थे जब पानी नाक से ऊपर होने लगता है, और या फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। यानी भारत आज डिप्लोमेटिक फ्रंट जहां पानी नाक से ऊपर करने की स्थिति हो जाती है, और या फिर जिसे कहते हैं स्ट्रेटजिक यानी सामरिक फ्रंट, तो अभी इंतजार जहां पर सीधे कार्रवाई होती है, दोनों स्थानों पर मजबूत से खड़ा है। सिर्फ एक ही वाक्य कहना चाहूंगा, एक जमाना था जब कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान उठाता था तो केवल सोवियत संघ हमारे साथ होता था, बाकी लगभग पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ होती थी। आज हालत यह है कि जब यह मुद्दा उठता है तो केवल चीन पाकिस्तान के साथ होता है, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे साथ होती नहीं है। सर, लेकिन मुझे मैं वो समझ गया, वो सारी चीजें मैंने कही, गलवान में हमने पराक्रम देखा, हमने बालाकोट देखा, नया भारत घर में घुसकर मारता है। लेकिन जी पार्थ सारथी जी, हम अगर ये उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान खुद सौंपेगा, अभी इसी महीने की 18 तारीख को उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, पलट गया 24 घंटे में, पलट गया, कह रहा कि नहीं मैंने नहीं कहा, तो अगर हम ये उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान दाऊद को सौंप देगा या फेयर ट्रायल चलाएगा, वो तो बेमानी होगा ना, अपने आप से झूठ बोलना होगा शायद। सर देखिए, ये पाकिस्तान ने कहा कि वो जानते नहीं है, मैंने खुद कराची में इनका मकान देखा है, खुद गया डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी क्लिफ्टन में। तो ये मकान जो है, दिलचस्प की बात यह है कि वो भारत का जो वाणिज्य दूतावास था, कौंसल जनरल का दफ्तर, उसे तक मकान उसे तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर में है, कोई जा देख सकता था। मैं जब राजदूत था तब खुद गया, पहले राजदूत था जो वहां गया, इसको एक खोज में गया, पूरा एड्रेस तब भी हमें मालूम था, क्लिफ्टन कराची डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी फेस 4, गया देखा। और हमारे जो पाकिस्तानी ड्राइवर है उसने कहा कि साहब आप इधर आए हैं, यहाँ तो आपका डॉन रहते हैं भारत से आए हुए, सो सारे आदमी जानता है वो है कहाँ। लेकिन गंभीर बात यह है कि मैं सिर्फ अभी तक मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मेरी रिकमेंडेशन यही रही है सालों से कि इसको निकाल दो, निकाल सकते हैं, क्षमता है, क्यों कर नहीं किया मुझे ना पूछो, मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, एक ही शख्स थे सरकार में जिन्होंने इस बात पर दिलचस्पी दिखाई और जियाउर रहमान मुशर्रफ के साथ उठाए, और वो थे लालकिशन आडवाणी। उसके बाद इनका नाम नहीं सुना, लेकिन क्योंकि उसके बाद इससे भी गंभीर आरोपों से लगे हुए या मसूद अजहर हो या दूसरे हो, उनको निकाल नहीं पाए हैं क्या। और मैं ये नहीं समझता कि गुप्तचर क्षमता हम में है नहीं, गुप्तचर सेवाएं हैं क्यों। तो ये मेरे लिए एक भारतीय नागरिक के नाते जी एक निराशा की बात है। मैं यकीन करता हूं कि कभी ना कभी मेरे जीवन काल में इनमें से एक दो को हम पकड़कर वहीं पाकिस्तान में मारेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये जो आपने शब्द बोले हैं, मेरे ख्याल से 137 करोड़ हिंदुस्तानियों की यही भावना है। ये भारत का गुनहगार है सर, अंदर से खून खौलता है जब भी इसका नाम लेते हैं। दाऊद इब्राहिम 1993 में जो इसने किया, 250 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया, इसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। हम लोग जब भी इसकी बात करते हैं तो खून खौलता है। लेकिन उज्ज्वल निकम साहब, जो अभी जी पार्थ सारथी सर ने बताया, उन्होंने घर देख लिया, जी न्यूज के पास घर की डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स है, पासपोर्ट है, सीएनआईसी नंबर है, उनको दिख रहा है, हमको दिख रहा है, दुनिया को नहीं दिख रहा। ये क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम, सारी डिटेल्स हैं अब। अमन जी, पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को हमें कभी कतई सौंपने वाला नहीं जी। आपने देखा होगा कि ये पहली बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेशर के वजह से ही पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये एक्सेप्ट किया कि दाऊद का कराची में कहाँ रहता है, उसके पासपोर्ट नंबर क्या है, अलग अलग है। अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दाऊद इब्राहिम को पहला पाकिस्तानी पासपोर्ट 91 में मिला है, और कहाँ से इशू किया, और रावलपिंडी से इशू किया, बाद में फिर कराची अलग अलग इस्लामाबाद से इशू किया है। पर पहला रावलपिंडी से क्यों इशू किया, क्योंकि आईएसआई का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में। मैं आपको बताता हूं कि 93 का बॉम्ब ब्लास्ट मैंने चलाया, 93 के बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश दुबई में हुई थी, उसमें दाऊद था, टाइगर मेमन और अन्य लोग थे, पाकिस्तानी शख्स थे।
91 में जो पहला पासपोर्ट मिला बंबई से, 93 से पहले ही दाऊद इब्राहिम भारत छोड़ गया था, और 91 में मिला इसका, 91 और 93 में उसका बहुत तार उससे जुड़ी थी आईएसआई से। तीसरी बात, दाऊद इब्राहिम ने उस मीटिंग में कबूल किया कि उसका स्मगलिंग चैनल वो आरडीएस के लिए बंबई के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करेगा, दीगी शेखाड़ी ने। अब सवाल एक है जी, कि पाकिस्तान ने यू क्यों एक्सेप्ट किया। मैं बात कबूल करता हूं कि हमारी सरकार की कूटनीति की वजह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने दाऊद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, और पाकिस्तान को जताया भी था कि अगर आप टेररिस्ट को बढ़ावा बंद नहीं करेंगे और टेररिज्म के लिए आप प्रतिशील नहीं रहोगे तो शायद आपको ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। पाकिस्तान की आज की स्थिति बहुत क्राइसिस में चल रही है, और इसलिए पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान सरकार से पूछ के और डिटेल दे दी। अभी देखो दूसरे दिन जो परसों ये बात निकली बाहर, तो दूसरे दिन पाकिस्तान ने कल यू टर्न ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि उसकी एक ही वजह मैं जानता हूं, वो वजह है कि आईएसआई को पता नहीं था, पाकिस्तान के आर्मी को पता नहीं था जी, कि पाकिस्तान की फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर ने ये डिटेल दे दी है। जरूर उसमें अंदर ही गड़बड़ हो गई,